dear students in this module we are going to talk about the survey design and one of the very important and more common aspect of uh, research design is the survey method so using the questionnaires and interviews we collect data from the sample or limited number of individuals or groups to have our generalized findings सो डिज़ाइनिंग कोश्चनर दैट आर क्लियर अनबाइस्ड एंड रेलिवेंट टू दोज रिसर्च क्वेश्चन तो इस सर्वे डिज़ाइन जैसा कि आपने सोशोलॉजी uh, पढ़ते हुए रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ते हुए बहुत कॉमनली देखा होगा या यूज़ किया होगा इस डिज़ाइन के मुताबिक इस सर्वे रिसर्च डिज़ाइन के लिए सर्वे में प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना पड़ता है और ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है इसमें सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्वे डिज़ाइन, सर्वे रिसर्च होता है वो आपका क्वेश्चनर होता है या जिसको डेटा कलेक्शन टूल भी कहा जाता है क्वेश्चनर की कंस्ट्रक्शन में बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है आपका रिसर्च हाइपाथिस क्या है और कोश्चनेर में इंश्योर किया जाता है कि उस रिसर्च हाइपाथिस के जो भी की कॉन्सेप्ट हैं उनके जो भी वेरिएबल्स हैं डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी एक फेयर एंड रिलायबल ट्रस्टेबल रिप्रेजेंटेशन हो जिसके थ्रू आप उन वेरिएबल्स को मैयर कर सको एंड देन सेलेक्टिंग आ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल टू इंश्योर द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा सर्वे रिसर्च में आपकी जो सैम्पलिंग स्ट्रेटजी या साम्पलिंग फ्रेम होता है वो बहुत अहम होता है हम ये नहीं कर सकते कि जहाँ भी सर्वे करें हम वहाँ से हंड्रेड परसेंट डेटा कलेक्ट कर पाएँ तो उस डेटा कलेक्शन प्रोसेस को फिज़िबल बनाने के लिए अपने लिए आसान बनाने के लिए हम सैम्पलिंग यूज़ करते हैं सैम्पलिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं तो सैम्पलिंग प्रोसेस में ये होता है कि लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर हम जर्नलाइजबिलिटी के प्रोसेस को इंश्योर करते हैं यानी लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मुराद ये है कि जहाँ पे लेट सपोज़ दस हज़ार का या एक लाख की पापुलेशन है या दस लाख की पापुलेशन है या चौबीस करोड़ की पापुलेशन है तो ज़रूरी नहीं है कि हम फर्दन फर्दन हर इंडिविजुअल से उस हाइपोथेसिस के वेरिएबल्स के हवाले से डेटा कलेक्ट करें और फिर हम इस काबिल हो पाएंगे कि हम वहाँ से रिलायबल फाइंडिंग्स ड्रा कर सकें बल्कि सैम्पलिंग फ्रेम जो होता है और सैम्पलिंग मेथड जो होता है वो आपको एक ऐसी एडिकेट टेक्निक प्रोवाइड करता है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप उस पापुलेशन से लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या लिमिटेड सैम्पल की बदौलत वही फाइंडिंग्स जो हैं उनको इंश्योर कर सकते हैं देन एनालाइजिंग द डेटा यूजिंग डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशल स्टेटस्टिक्स क्योंकि साम्पलिंग सर्वे मैथड जो है ये क्वान्टिटेटिव होता है तो इस वजह से आपको स्टेटिस्टिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है तो दोनों तरह के स्टेटिस्टिकल मैथड्स यूज़ किए जा सकते हैं हाइपाथिस टेस्टिंग के लिए आप इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं बेसिक ट्रेंड्स को डेटा के ट्रेंड्स को जानने के लिए आप उसके जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है उसका सहारा ले सकते हैं एंड देन असेसिंग द स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ सर्वे रिसर्च वी कैन नॉट से दैट एवरी मेथड इज़ अ परफेक्ट मेथड तो सर्वे रिसर्च की भी जो है वो स्ट्रेंथ्स भी हैं और उसकी लिमिटेशंस भी हैं तो उसको भी असेस करना साथ साथ ज़रूरी होता है कि जो भी रिसर्च हाईपाथस आप कंस्ट्रक्ट करते हैं हर रिसर्च हाईपाथस की अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ कुछ वीकनेसेस भी होती हैं जिनको आपको स्टडी लिमिटेशन के अंदर क्लियरली एक्सप्लेसिटली वाजे करना होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कंडक्टिंग अ सर्वे ऑन द एटीट्यूड ऑफ पाकिस्तानी सिटीजन्स टूवर्ड्स द गवमेंट्स रिस्पॉन्स टू कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक अभी रिसेंटली चूंकि कोविड नाइनटीन आया इसके हवाले से गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स लिए जो भी इनिशेटिवस लिए उसके हवाले से लोगों के जहन में कोई ना कोई ओपीनियन होगी वेदर दीज एस्पेक्ट्स और दीज इनिशि व पॉजिटिव और नगेटिव और वट और हाउ पीपल थिंक अबाउट दोज दोज इनिशिव और दो स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट तो उसके ऊपर एक रिसर्च सर्वे जो है वो डिज़ाइन की जा सकती है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल की मदद से आप डेटा कलेक्ट करके तो फाइंडिंग्स uh, को इंटरप्रेट करके कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि क्या पाकिस्तानी सिटीजन्स जो हैं उनका इसके हवाले से एक पॉजिटिव ओपिनियन है या नेगेटिव ओपिनियन है